नमस्कार दोस्तों, कथा मंथन में आपका स्वागत है। लंच या डिनर में तो राजमा सबको बहुत पसंद होता है, तो आज मैंने सोचा लंच में राजमा और चावल बनाऊं। तो मेरे बच्चे खाली राजमा नहीं खाते, वो आलू बहुत पसंद करते हैं। राजमा में बड़े बड़े आलू डाले जाएं, उन्हें बहुत पसंद आता है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर आलू खाना चाहते हैं हर चीज़ में। तो दोस्तों, मैंने आलू राजमा की करी बनाई है, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और संग में है ये चावल बनाए हैं। तो लंच में हम लोग राजमा के साथ चावल ही पसंद करते हैं ज़्यादातर। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना राजमा चावल की करी और चावल। राजमा आलू करी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए राजमा। देखिए, अगर आप एक कटोरी राजमा लेते हैं तो इसे 4 कटोरी पानी में रात को भिगो दीजिए, कम से कम 12 घंटे तक भिगो कर रख दीजिए। फिर उसके बाद इसे बॉईल करते हैं। और ये देखिए, आलू लिए हैं मैंने बड़े बड़े आलू, उसको हाफ आलू करके पीस, हाफ आलू करके जो है इसको काट लेना। इतना बड़ा आलू, जितने बड़े आलू होंगे उतना खाने में टेस्ट ज़्यादा होगा। और देखिए, ये 2 तरीके से प्याज काटी है। ये प्याज आलू के साथ फ्राई करेंगे, इसे मैंने लंबा लंबा काट लिया है। और ये मोटा मोटा प्याज जो है, ये टमाटर के एक दो टमाटर के 4 टुकड़े मैंने, 4 4 टुकड़े कर लिए हैं। और ये दो मीडियम साइज़ की प्याज हैं, बड़े बड़े टुकड़ों में कर लिया है। इनको एक साथ हम मसाला पीसेंगे, इसलिए 2 तरह से अलग अलग तरीके से मैंने प्याज काटी है। और छौंक लगाने के लिए हमें जो है, ग्रेवी के लिए जो हमें मसाले चाहिए, तेज पत्ता, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, इनको हल्का सा पीस लिया है, ज़्यादा बारीक नहीं किया है, जीरा पाउडर, नमक, हल्दी, साबुत जीरा, लाल मिर्च पाउडर, और ये है मटन मसाला। मैं एवरेस्ट का मटन मसाला यूज़ करती हूँ। तो चलिए, सबसे पहले हम राजमा को बॉईल करेंगे। राजमा को बॉईल करने के समय भी हम कुछ चीज़ डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं राजमा आलू करी। आलू राजमा बनाने के लिए सबसे पहले हमको, मैंने ये राजमा को बॉईल कर लिया है, इसको बॉईल करना है। इसको ओवरनाइट सोक्ड होने के लिए मैंने पानी में भिगो दिया था, ठीक है। अब इसको हम बॉईल करेंगे। तो बॉईल करने के लिए हम कुकर में इसको चढ़ाते हैं, और इसके साथ ही साथ हम इसमें कच्चा प्याज, लहसुन, तेज पत्ता, नमक और हल्दी, और ये साबुत गरम मसाला, दालचीनी, काली मिर्च और ये लौंग है, ये इसमें पानी में ही हम डालेंगे। इसी के साथ इसको हम बॉईल करेंगे। तो गैस जला देते हैं। देखिए, ये एक कटोरा राजमा था, एक डोंगा राजमा था, तो मैंने 1.5 डोंगा पानी डाला है। ज़्यादा वाटर मत कीजिए इसको, बाद में हम जब इसमें छौंक लगाएंगे आलू के साथ, तब इसमें जो पानी की ज़रूरत होगी डाल देंगे। ये तेज पत्ता डाल देंगे, ऐसे ही ये लहसुन डाल दिया और प्याज भी डाल दी। ऐसे प्याज जब राजमा के साथ गलेगा ना ये प्याज, तो ग्रेवी बहुत गाढ़ी बनती है और टेस्टी भी बनती है। नमक आप एज पर टेस्ट आप डाल दीजिए, कम ही डालिए, क्योंकि बाद में फिर इसमें सॉल्ट डाला जाएगा। देखिए, अब इसको हम बंद कर देते हैं, कुकर को बंद कर दीजिए। और देखिए, हाई फ्लेम मत रखिएगा, लो टू मीडियम कर दीजिए, नहीं तो पानी जल जाएगा और सीटी बन जाएगी, पानी जल जाएगा पर राजमा नहीं गलेगा। तो इसलिए सिम सिम नहीं, मीडियम फ्लेम कर दीजिए, ठीक है। अब 3 सीटी आने तक इसको पकने दीजिए। दोस्तों, राजमा बॉईल हो चुका है, गल गया है। अब इसका हम राजमा को, मैंने कुकर, राजमा का कुकर साइड रख दिया है, साइड में रख दिया है। अब हम जो है आलू करी, राजमा की जो आलू करी बनानी है उसकी तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले आलू करी बनाने के लिए हम इसमें जो काली मिर्च और लौंग, दालचीनी वगैरह हमने जो हल्का पीस लिया था उसको डाल देंगे तेल में, तेल गरम हो गया है। और फिर इसमें तेज पत्ता डाल देंगे, साबुत
साबुत जीरा डाल दिया है। अब इसमें हम आलू लाल करने के लिए आलू डालेंगे। देखिए आलू सारे डाल दिए हैं। आलू डालने के बाद कुछ देर तक इसको ऐसे ही रहने दीजिए, करीब 2-3 मिनट तक, ताकि एक साइड से अच्छे से लाल हो जाए। अगर आप बार बार इसको पलटिएगा तो वो लाल नहीं होंगे सही तरीके से। तो अभी इसको हम 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि एक साइड अच्छे से लाल हो जाए, फिर हम इसको पलटेंगे। दोस्तों 4 सीटी में हुआ है राजमा, 3 सीटी बोला था मैंने, 4 सीटी में हुआ है। तो ये एकदम परफेक्टली गल चुका है, ये देखिए। अब ये जो प्याज खड़ी हुई आपको दिखाई दे रही है, इसको थोड़ा मिक्स कर लीजिए। बाकी जब आप भूनेंगे ना, ग्रेवी के साथ पूरा मिक्स हो जाएगी। इसको थोड़ा सा हम स्मैश कर लेते हैं, ग्रेवी से मिक्स हो जाएगी। ऐसे करके आप मिक्स कर लीजिए। प्याज भी भून गई है और आलू भी अच्छे से हमारे लाल हो गए हैं, फ्राई की तरह ही लग रहे हैं। अब इसको ज़्यादा लाल मत कीजिए। आप अगर करना चाहते हैं एकदम ही लाल, तब आप कर सकते हैं, आलू फ्राइड अच्छे ही लगते हैं, पर मैं इतना ही रखती हूँ। अब ये जो टमाटर, प्याज, जिंजर, गार्लिक का पेस्ट हमने बनाया है, इसको अब हम डाल देंगे। अब इसको भी हम थोड़ा पकने देते हैं, फिर इसमें हम अपने मसाले छोड़ने लगेगा। देखिए दोस्तों ये मसाला भुन गया है। अब हम इसमें अपने मसाले डालते हैं। सबसे पहले ये हल्दी पाउडर डाल देते हैं। बॉईल होने के समय भी हमने थोड़ी हल्दी डाली थी और नमक डाला था, तो इसलिए ज़्यादा नमक इस समय मत डालिएगा। फिर ये आपका जीरा पाउडर, सॉल्ट और ये थोड़ा रेड चिली पाउडर, और ये मटन मसाला भी हम इस समय डाल देते हैं। थोड़ा इस समय डालेंगे, थोड़ा हम जब कुकर को बंद करेंगे आलू डाल करके, तब हम उस ग्रेवी में डालेंगे। मसाला लगे नहीं इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। अब इस मसाले को हमने, ये जो राजमा बॉईल किया था, ये जो राजमा हमने बॉईल किया है, ये जो आलू की ग्रेवी वाला मसाला है, इस मसाले को हम, सारे मसाले को हम इस राजमा में डालेंगे। फिर इसमें 2 सीटी लगाएंगे ताकि ये जो बड़े बड़े आलू हैं अच्छे से गल जाएं। ये सारा मसाला इसमें डाल देना है। देखिए कढ़ाई का सारा मसाला हमने कुकर में डाल दिया है। अब इस कुकर को गैस पे चढ़ा देंगे। अब इसमें हम थोड़ी सी कसूरी मेथी और बाकी बचा हुआ 1 चम्मच मटन मसाला और डालेंगे। ये देखिए इसमें थोड़ा ये कसूरी मेथी मैंने डाल दिया है और इसमें ये मटन मसाला डाल देंगे। अब इसको हम कुकर को, ये कुकर को बंद कर दीजिए। फ्लेम को फिर से मीडियम कर दीजिए, ज़्यादा तेज मत रखिए नहीं तो पानी सूख जाएगा। सीटी आने दीजिए, तब तक आपकी ग्रेवी भी अच्छे से पक जाएगी और मीडियम आंच पे जो आलू गलेगा वो भी खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेगा। दोस्तों राजमा के साथ तो एकदम खिलमास वाइट चावल स्टीम राइस खाने में बहुत मज़ा आता है। तो ये मैंने बासकाठी और बिरयानी चावल मिक्स किया है, ये एकदम देखिए लंबा लंबा और खिलमा चावल बनेगा। तो ये इस कुकर में बनाना शुरू कर रही हूँ। इसको राइस कुकर में मैं, इसमें पानी थोड़ा पहले चढ़ा दिया है 1 गिलास के करीब। इसको हम हल्का गर्म होने देती हूँ पानी को, और इस पानी में मैं 1 दालचीनी साबुत और ये काली मिर्च सब साबुत डाल दीजिए इसमें, इस पानी में। और इसमें हम डालेंगे अभी 2 तेज पत्ता और थोड़ा नमक। ये देखिए इसमें 2 तेज पत्ते डाल दिए, ये 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट,
ताकि चावलों के अंदर थोड़ा सा नमक घुस जाए। ढककर रख देते हैं, तब तक हम अपना ये चावल जो है इसको धो लेती हूँ। धो करके हम इसमें डाल देंगे। दोस्तों, अगर आपने 2 कटोरी चावल लिए हैं तो कम से कम, जैसे देखिए ये हाफ डोंगा चावल है, तो मैं कम से कम 2 डोंगे से ऊपर, 2 या 2.5 डोंगा इसमें पानी दूंगी, क्योंकि इसका एक्स्ट्रा माड़ मैं निकाल लूंगी। कैसे निकालूंगी देखिए दोस्तों, पानी हल्का गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं ये चावल मैंने डाल दिया है, आधा डोंगा पानी दिया था, अब इसमें ऐसे 2 और 1 डोंगा इसमें पानी डाल रही हूँ मैं। आधा डोंगा और डालना पड़ेगा। चावलों का ध्यान रखना होगा, ये चावल बहुत जल्दी गल जाते हैं, ठीक है, तो इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अब इसको हम ढक करके रख देते हैं। राइस कुकर में तो पानी पूरा सोक्ड हो जाता है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा वाटर दिया है कि मुझे पानी पूरा सोक नहीं करना, इसका माड़ मैं निकाल दूंगी। देखिए दोस्तों, 2 सीटी आ चुकी है। मैंने कुकर बंद कर दिया था, गैस अपने आप ही निकल गई है। अब हम इसको कुकर को खोल के इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए परफेक्टली हो गया है। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। आप चाहें तो राइस के साथ, हमने खाना है चावलों के साथ तो थोड़ा ग्रेवी रखते हैं, और अगर आपको रोटी या पराठा के साथ खाना है तो ग्रेवी कम रखिए, आप थोड़ा सुखा लीजिए या फिर पानी कम डालिएगा। तो हम देखिए ये करी कितनी गाढ़ी बनी है, जो प्याज हमने पीस के डाली थी ना, उसके कारण ये करी गाढ़ी बनी है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं और चावल होने के बाद हम एक साथ खाने को सर्व करेंगे। तो काफ़ी 10 मिनट हो चुके हैं, चावल हो गए हैं हमारे, ठीक है। ये देखिए वाटर एक्स्ट्रा, अब इस वाटर एक्स्ट्रा वाटर को हम निकालेंगे। ये इसको मैं राइस कुकर को ऑफ कर देती हूँ, ये ढक्कन को उल्टा कर देती हूँ इसका माड़ निकाल के लिए। ठीक वैसे ही निकालेंगे जैसे पतीले में बनाते समय निकालते हैं। ये देखिए पूरा ये खिलमा बना है चावल। आप इसको अगर इसमें येलो मोड पे इस पे को छोड़ देंगे तो अगर एक्स्ट्रा वाटर है वो भी सोक हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो अब हम एक बाउल में अपने राइस भी निकाल लेते हैं प्लेट में। राजमा हमारा बन चुका है, तो चलिए तो लीजिए मैं दोस्तों, देखिए ये राजमा हो चुका है। मैंने राजमा बाउल में निकाल लिया है, बहुत ही टेस्टी राजमा बना है। आलू देखिए, ये पूरा जो है आलू देखिए, ये पूरा एकदम गल गए हैं और टूटे भी नहीं हैं। आलू गल गए हैं पर टूटे नहीं हैं। और ये राइस देखिए एकदम खिलमा बना है, और हमने जो तेज पत्ता, दालचीनी और लौंग डाला था उसका एरोमा बहुत ही अच्छा आ रहा है। और ये मैंने सर्व कर दिया खाना, देखिए। तो आप भी ज़रूर टेस्ट कीजिएगा इस तरीके से बनाकर आलू राजमा की करी। थैंक यू।